कफन ओढ़ लेने से अधिकार मिलेगा, अगर कफन स्वीकार लेने से अधिकार मिलेगा तो तैयार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके स्वागत में अपनी कुर्सी छोड़कर उनको कुर्सी देते हैं, लेकिन इन विधायकों और मंत्रियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो बेटा अपने पिताजी के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा क्या हमारा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम बिरसा के रास्ते और निर्मल दा के रास्ते लड़ने लगेंगे तो यहाँ की नदियाँ रक्त रंजित हो जाएगी, हम वो नहीं चाहते। यहाँ से या तो हम जाएंगे या तो हमारा कफन जाएगा। जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर झारखंड 32 खतियान को लेकर अभी तक आंदोलन जारी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग खाना बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं। और इन लोगों ने कहा था कि सोमवार तक ये लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। आज सोमवार है, आइए जानते हैं कि इसके बाद ये लोग क्या कदम उठाएंगे। सीधा आपको तीर्थनाथ जी से रूबरू करवाते हैं। इससे पहले आपने कहा था कि सोमवार तक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, आज सोमवार है, आगे का क्या कदम है? हम लोग इस पर विचार करेंगे, हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी। हम लोगों को लगा था कि आज मुख्यमंत्री का कम से कम एक बुलावा जरूर आएगा कि आओ तुम लोग मिलो, लेकिन शायद मुख्यमंत्री बहुत असंवेदनशील व्यक्ति हैं, उनकी संवेदनाएँ मर गई हैं, वो जिंदा नहीं है वो। तो ठीक है, हम लोग फिर भी विचार करेंगे, हम लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग अपने लोगों के साथ बैठेंगे, गाँव से फ़ोन करते हैं, गाँव के जो हमारे लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद हम लोग ये तय करेंगे आगे क्या करना, लेकिन जो भी होगा बड़ा होगा। अभी तक कोई अधिकारी मिलने आए हैं? कोई नहीं, किसी एक व्यक्ति ने कोई शुद्ध लेने की कोशिश नहीं की हम लोगों से। रात भर मच्छर हमें काटता रहता है, रात भर हम परेशान हैं, हम लोगों को बंदीगिरी की तरह यहाँ लाकर छोड़ दिया गया, डिटेंशन सेंटर में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डिटेन करके रखा गया है यहाँ कैदियों की तरह। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी जहर की तरह दिखता है, और हम लोग ये सारी सुविधाएं जो आप देख रहे हैं ये सब अनुदान पर है, जो लोग यहाँ आते हैं हमें दे कर जाते हैं। तो कोई अभी तक मिलने नहीं आया, ना कोई हमारा सुध ले रहा है। सरकार तो अब तक आँख बंद करके बैठी है, आप कब तक बैठेंगे? हम लोग एक स्पष्ट नारा है, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हिलेंगे नहीं। गाँव से जो आशीर्वाद हम लेकर आए हैं, गाँव परिवार से जो हमें प्यार मिला है, वो यहाँ हम जोर मजबूती से बैठने को रखेगा, यहाँ हम बैठेंगे और लंबा बैठेंगे। भारत ने किसान आंदोलन को इतिहास के तौर पर देखा है, झारखंड यह इतिहास देखेगा कि कैसे अपने भाषा संस्कृति अपनी परंपरा अपने पुरखों की विरासत अपने गाँव को बचाने को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। लंबा आंदोलन चलेगा, चाहे मुख्यमंत्री हम लोग से आज मिले, कल मिले, या चुनाव हारने के बाद मिले, हम लोग तब तक बैठेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे राज्य के मुख्यमंत्री झूठे हैं वैसे ही झूठा उनका प्रशासन है। हम लोगों को यहाँ लाया गया यह बोल करके 5 डेलीगेट्स मिलेंगे, मिलाया जाएगा, लेकिन सब लोग उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है उनको। संविधान की शपथ खाकर राज्य के मंत्री विधायक झूठ बोलते हैं, संविधान की शपथ खाकर खाकी का वर्दी पहनकर यहाँ के पदाधिकारी झूठ बोलते हैं। तो ऐसे पदाधिकारियों से ऐसे मुख्यमंत्री से उम्मीद किस बात की जाए। लेकिन हम परिवार का आशीर्वाद लेकर आए हैं, गाँव में पुरखों का आशीर्वाद लेकर आए, हम एकदम मजबूत हैं, लड़ेंगे, लंबी लड़ाई होगी और लंबा दंगल चलेगा, और हम तैयार हैं हर दंगल के लिए। सोना खाना रहना कैसे चल रहा है? सब कुछ यही हो रहा है, आप लोगों ने देखा ही भाई, सोने के लिए हम किसी ने अनुदान पर टेंट दिया है, दर्री टेंट पर मिला है, गद्दा टेंट अनुदान पर मिला है, और खाने की सारी सुविधाएं अनुदान पर है। गाँव से जो लोग मिलने आ रहे हैं वो हमें दे रहे हैं खाना, चावल दाल सब्जी, जो भी नहीं आ रहा है वहाँ से भिजवा दे रहा, हमें कोई आपत्ति नहीं। मुख्यमंत्री अगर चाहते हैं कि रांची अस्त व्यस्त ना हो तो हम लोगों से मिल लेना चाहिए, और वो चाहते हैं कि रांची अस्त व्यस्त हो तो ना मिले। जो लोग आज अनुदान पर सामान भेज रहे हैं वो जब आने लगेंगे तब रांची, इतनी छोटी सी तो रांची है, 15 किलोमीटर में पूरा रांची ख़त्म हो जाता है। मेरे गाँव के लोग जब यहाँ आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री कहाँ रखेंगे? मुख्यमंत्री सोचे, यहाँ जो कचरा बैठे, हम यहाँ रहेंगे तो भाई यहाँ तो गंदगी भी होगी ना, हम यहाँ रहेंगे शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ गंदगी भी होगी, तो यहाँ की गंदगी सिर्फ राजभवन तक नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री आवास तक जाएगी। यहाँ की गंदगी की बदबू सिर्फ हम लोगों तक नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री आवास तक जाएगी, फिर मुख्यमंत्री मैं को सोचने पर मजबूर कर देंगे। आपके गाँव में मुख्यमंत्री जब आते हैं तो आप लोग फूलमाला से स्वागत करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आए आपका स्वागत करने या फिर आपसे बात करने? मुख्यमंत्री यहाँ हमारे गाँव में जब मुख्यमंत्री मंत्री विधायक कोई भी आता है लावा लश्कर लेकर, तो हम लोटा में पानी लेकर पहले उनका स्वागत करते हैं, उनके स्वागत में अपनी कुर्सी छोड़कर उनको कुर्सी देते हैं। लेकिन इन विधायकों और मंत्रियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं?
हम अपनी डिमांड तो कर रहे हैं तो गुरुजी की डिमांड को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो बेटा अपने पिताजी के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा क्या हमारा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम मजबूत से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। झारखंड लड़ने के लिए बना है, झारखंड लड़ने से बना है, झारखंड के इतिहास संघर्षों का है, झारखंड की मिट्टी में संघर्ष है, हम संघर्ष करेंगे। हम थकने वाले नहीं हैं, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक खेलेंगे। शायद 6 मार्च को लोग झारखंड बंद का ऐलान भी किए हैं, करने दीजिए। चंद लोगों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस तरीके से पानी छाँक कर छकनी से निकाल दिया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है, वैसे देखिए ये जनता का आक्रोश है। जनता के सपनों को अगर कुचला जाएगा तो जनता विद्रोही होगी, जनता के अरमानों को अगर तोड़ा जाएगा तो जनता विद्रोही होगी, जनता के गांव को बर्बाद किया जाएगा, जनता के अखड़ा को बर्बाद किया जाएगा। भाई एकदम जाएंगे हम लोग, तो मार ही रहे, ये तो मार ही है ना। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, हम विनोद बाबू के तरीके से लड़ेंगे, हम बिरसा के तरीके से लड़ना नहीं चाहते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम विनोद बाबू जयपाल सिंह मुंडा के तरीके से लड़ रहे हैं, संविधान को हाथ में लेके कलम के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बिरसा के रास्ते और निर्मल दा के रास्ते लड़ने लगेंगे तो यहाँ की नदियाँ रक्त रंजित हो जाएगी, हम वो नहीं चाहते। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री से अगर मुलाकात नहीं होती है या मुख्यमंत्री हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, यहाँ से या तो हम जाएंगे या तो हमारा कफन जाएगा। हम कफन ओढ़ कर यहाँ सोने पर मजबूर हो जाएंगे। हमको अगर आत्मदाह करना होगा करेंगे। इतिहास है, आंध्रा बना एक व्यक्ति की मौत के बाद आत्मदाह हुआ, उस व्यक्ति की मौत हुई और आंध्र प्रदेश अलग हो गया। अगर हमें इस राज्य की मिट्टी को बचाना है, अपने लोगों के भविष्य को संवारना है, अपने गांव को बचाना है, अपने पुरखों की विरासत को बचाना है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना अखड़ा, अपना मांदर बचाना है, तो मरने से क्या फ़र्क पड़ता है। आत्मदाह करने पर अगर हमारा अधिकार हमको मिलेगा तो हम करेंगे। कफन ओढ़ लेने से अधिकार मिलेगा, अगर कफन स्वीकार लेने से अधिकार मिलेगा तो तैयार हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर तरीके से लड़ा जाएगा ये आंदोलन। इस आंदोलन का तरीका चाहे जो भी हो, राजधानी यानी सरकार की छाती होती है, मुख्यमंत्री की छाती होती है, मुख्यमंत्री की छाती पर चढ़ गए हैं और अगर मौका मिला तो इस पर हम हुमच भी सकते हैं, कोई फर्क। बिना परिवार के, बिना सभ्यता, बिना परिवार के, बिना संस्कृति के, बिना परंपरा के, बिना मेरी माटी के, मेरा वजूद कुछ नहीं है। मेरी माटी के वजूद को बचाने के लिए किसी को मारना पड़े मंजूर। हम लोग झारखंड के बेटे हैं और हम लोग मिट्टी का सीना चीर के हम लोग फसल उगाते हैं, तो घर में भी हम लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं। और हम लोग का खाना कुछ खास नहीं रहता, हमको लजीज व्यंजन के बारे में पता नहीं रहता है। हम माड़ भात आलू का चोखा भी खाते हैं और नीम की सब्जी भी खाते हैं, क्योंकि जिस प्रकृति के हम लोग पूजा करते हैं, प्राकृतिक पूजक हम लोग हैं, तो हम लोग कंद मूल फल फूल ही खा रहे हैं, तो हमारा गुजारा इसी में होता है। और इसीलिए हम लोग पैदल चल के भी आए हैं और जो लोग भी हम लोगों को मदद कर रहे हैं, जितनी भी माँ बहन भाभी हम लोगों के लिए सामान भेज रही है, वो इसलिए भेज रही है कि वो लोग जानते हैं कि लोग बना के खा लेंगे, रहेंगे और लड़ाई को लड़ेंगे। और जो आज मुख्यमंत्री बन के इन सब चीज़ों को भूल गए हैं, उनको याद दिलाना है कि वो भी इसी मिट्टी के हैं और इन्हीं के संघर्षों पे बने हैं। उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एकमात्र पहचान है कि वो गुरुजी के बेटे हैं, इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री की पहचान हो सकती है, इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। तो आपने सुना कि ये लोग कफन बांधने तक के लिए भी तैयार हो चुके हैं। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।